पशु मेले में अवैध वसूली को लेकर मारपीट हुई है। वसूली करने वाले की जमकर पिटाई की गई। पशु खरीदने और बेचने को लेकर यह विवाद हुआ था। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला है। तस्वीरें देखिए आप, किस तरीके से यहां पर युवक को पीटा गया है। पशु मेले में ये तस्वीरें सामने आई है। दिलीप सोनी हमारे सभी फोन लाइन पर जुड़े हैं। दिलीप, तस्वीरें तो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन क्या वजह रही मारपीट की, ये भी बताइए जरा। देखिए मैं आपको बता दूंगा, जो भिंड के जो जो हर जो रविवार को जो पशु की जो हाट है, पशु जो मेला जो लगता है यहाँ पर, जो जो पशुओं की खरीदी और बिक्री होती है यहाँ पर, जो नगर पालिका के द्वारा, जैसे नगर पालिका के द्वारा जो जो वसूली वसूली की जाती है, लेकिन कुछ जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, जो 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 गुंडागर्दी दिखाते हैं, वो उसको पूरा तरह से जो पशु मेला को अपने कब्जे में ले लिया, तो जो जबरन जो पशु जो विक्रेता है उनसे अवैध वसूली करते हैं, जिस पर तो आए दिन की वसूली से तंग आकर जो इस तरह के जो आज एक जो मामला हुआ है, इसमें वसूली करता को इसको सबक सिखाने के लिए जो विक्रेता हैं, जो पशु विक्रेता हैं, उन्होंने उनके उसकी जमकर मारपीट की है और उसमें इतना ही नहीं को तो दौड़ा दौड़ा कर जमकर पीटा है। और इसके बाद पुलिस ही मौके पर पहुंच गई थी। हालांकि जो जो इसकी जो मारपीट की गई थी, लेकिन वो मौके से फरार हो गया। और नगर पालिका का जो कहना है कि इसमें जो लोग हैं, इसमें भी जो भी होगा इसमें कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से जो पशु हाट के जो विक्रेता है उनके साथ बाबत वसूली का जो मामला सामने आया है, उसमें बता रहे हैं 500-500 रुपए की वसूली की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया दिलीप इस जानकारी के लिए आपका।